हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। वीडियो का टाइटल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बोलने वाली हूँ। बस ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो सच में बहुत ही इफेक्टिव है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि किसी से सुन के मैं आपको बता रही हूँ, अपने खुद एक्सपीरियंस किया है उसके बाद ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 100% इफेक्टिव है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पे क्या होता है, सुबह 9 to 9:30 के अंदर पहुँचना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, तो इसीलिए मैं सुबह मुझे नहला के लेके जाती हूँ। नॉर्मल डेज में तो मसाज करके 15-20 मिनट रख के फिर नहलाती हूँ, पर ऐसे पर्टिकुलर डेज में रख नहीं सकते। पर पैर को, मतलब पैर और हाथ को अच्छे से मसाज करती हूँ ताकि उसका जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से जब भी उसको इंजेक्शन दिया जाए वो मसल रिलैक्स रहे और उसको तब भी पेन ना हो और बाद में भी ना हो। तो ये ट्रिक ज़रूर याद रखना कि अच्छे से, नॉर्मली क्या होता है कि हाथ में जो भी इंजेक्शन लगता है उसमें दर्द नहीं होता, पैर में जो भी इंजेक्शन लगता है उसमें दर्द होता है, मतलब बचपन का जो भी ये फर्स्ट तीन जो भी इंजेक्शन है उसमें, उसके बाद तो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जो भी इंजेक्शन हाथ में लगेगा उसमें भी थोड़ा बहुत दर्द होता है। पर ये अभी का जो पीरियड, मतलब 5th मंथ के अंदर जो भी इंजेक्शन लगेगा उसमें पैर में ही दर्द होता है, हाथ में दर्द नहीं होता। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे पहले पता नहीं था। पहली बार जब उसके इंजेक्शन थे उसके बाद ही पता चला कि हाथ में दर्द नहीं होता, पैर में दर्द होता है। तो एनीवे, पैर के मसल को अच्छे से मसाज करके, कुछ देर तक अच्छे से मसाज करके उसे ल्यूकोम वाटर से अच्छे से नहला के फिर लेके जाइए। कोई भी टाइट कपड़ा नहीं पहनाना है, थोड़ा सा रिलैक्स और फ्री लूज कपड़ा पहना के लेके जाना है। वैक्सीनेशन देने से पहले याद रहे कि बच्चा रिलैक्स्ड हो, मतलब रोए ना या फिर कुछ देख के चिड़चिड़ा ना हो जाए, ऐसे सो के उठ के जाए या फिर भूख उसका मिट के जाए, वो चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, एकदम वैक्सीनेशन लगाने से तुरंत पहले, मतलब जब भी इंजेक्शन लेके डालने वाले उससे पहले ही पैर के मसल को थोड़ा सा दोबारा मसाज कर दीजिए। मैंने किया है, मैंने वैक्सीनेशन हो जाने के बाद बच्चे को थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड करवाइए, बॉटल का दूध नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना। अगर बॉटल का दूध पिलाते हो तो ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीड करवाने से वो लोग अंदर से शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करते हैं और बॉडी हाइड्रेटेड भी होता है। नॉर्मली क्या होता है, वैक्सीनेशन के बाद बच्चा रोएगा, कोई कम कोई ज़्यादा रोता है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, पर डेफिनेटली रोएगा। उसके बाद तुरंत ही वो लोग सो जाते हैं, तो वो जो वैक्सीनेशन के एकदम बाद, एकदम तुरंत बाद हो सके तो आप थोड़ा सा ही सही, 30-60 सेकेंड के लिए भी सही आप ब्रेस्ट फीड करवाइए। मैंने भी किया है। वैक्सीनेशन के नॉर्मली एक दो घंटा नहीं, 1-1.5 आवर्स तक बच्चे सोते हैं। ओके, तो हो सके तो उसे ब्रेस्ट फीड करवाइए और गोद में रख के करवाइए और पैर को थोड़ा सा धीरे धीरे हिलाइए। मतलब मैं दिखाऊंगी कल, एक्चुअली कल है उसका वैक्सीनेशन और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं हो सके तो मैं दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा पैर को पकड़ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिलाना है जब आने के बाद, जब वो सो रहा है तो, क्योंकि तब भी पेन शुरू नहीं होता, उसके बाद ही पेन शुरू होगा। अगर वो पैर ऐसे स्टिफ करके रख देगा तो बाद में दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जब भी वो आके सो रहा होता है आप ब्रेस्ट फीड कीजिए और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पैर को थोड़ा सा हिलाइए। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये जो भी मैं बता रही हूँ ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और ये हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। और कल का जो वैक्सीनेशन है उसके लिए 3rd टाइम का वैक्सीनेशन है, ये 4th मंथ कम्प्लीशन का वैक्सीनेशन है, 45 डेज के बाद एक 75 डेज में आता है, ये 3rd वाला है। और बर्थ के बाद तो ऑलरेडी हॉस्पिटल से लग के आ जाता है, वो वाला काउंट नहीं कर रहे हो, उसके बाद जो भी है उसमें से 3rd वाला वैक्सीनेशन हम कल करने जा रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, वो जब भी थोड़ा सा उठता है, थोड़ा सा लगता है कि आप फीडिंग करवा सकते हो, उसे फीड करवा सकते हो तो आप कीजिए। ज़बरदस्ती उठा के उठ भी ले करके वैसा नहीं करना है, वो वैसे भी थोड़ा सा क्रैंक ही रहेगा, बेचारा टायर्ड होगा, उसको सोने दीजिए। बीच बीच में हो सके तो थोड़ा सा पिलाइए और पैर को थोड़ा सा ये कीजिए, क्योंकि 2 घंटे बाद ही नॉर्मली पेन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसके लिए आपके उससे पहले नाइट को आपको प्रिपरेशन लेना है, ऐसा कॉटन का क्लॉथ लेना है और उसको ऐसे नॉट बनाना है। ये कॉटन का क्लॉथ है जो उसी का कपड़ा था जो अभी वो नहीं पहनता, वो छोटा हो गया इसीलिए। तो ऐसा मैंने 6 कपड़ा लिया है जिसको मैंने ऐसे नॉट बनाया है, ऐसे कपड़े को रख के मैं अभी रात को इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो हम
सुबह मोस्ट प्रॉब्ली 10:30 तक, मैक्स 11 o'clock तक घर आ जाएंगे। उसके बाद जब उसको मैं फीड करवाऊंगी तभी, मतलब नॉर्मली जब भी मैं मोस्टली उसे फीड करवाऊंगी तब भी उस इस कपड़े को निकाल के, मतलब वो ठंडा, जब भी वो ठंडा रहता है ठंडे कपड़े को निकाल के जहाँ पे वो इंजेक्शन लगा है उसके चारों तरफ उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करके मैं डैप करूँगी ताकि उसको वो आराम ले ले, वो अच्छा लगे। डायरेक्ट ये उसे क्या बोलते हैं, बर्फ वगैरह आइस वगैरह लेके नहीं करना है, वो गीला हो सकता है, उसको इरिटेशन फील हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैंने ये वाला टेक्निक अपनाया है। अगर आपके पास आइस बैग है तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है ये क्लॉथ को ठंडा करके देना ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। पर याद रहे कि डायरेक्ट बर्फ को लेके, आइस को लेके कपड़े के अंदर डाल के, जैसे हम मर्डर लोग करते हैं कहीं पे आइस डालने के लिए, वैसा ना कीजिए, ना ही डायरेक्ट बर्फ वहाँ पे डालिए। दिमाग में रखना कि जब भी आपकी बेबी आपकी गोद में है, वो जब कम्फर्टेबल है तभी उसको ये आइस पैड लगाना, जब भी वो बेड में सो रहा है या फिर कहीं और आपने उसे रखा है तो अब तब ना कीजिए, शायद वो अनकंफर्टेबल फील करे। तो इसीलिए गोद में रख के ही, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम, या अच्छा टाइम है, मतलब बेस्ट टाइम आई फील, तो उसी टाइम पे आप उसको वो आइस बैड कर सकते। एक दवाई है, ये जेल बेस है, ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे, जो कि आपको क्या करना है, वो जहाँ पे वैक्सीनेशन किया, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उसके चारों तरफ इस जेल को लगाना है। एवरी आर वंस आप लगाना अच्छा है, मिनिमम 4 to 5 times आपको लगाना है। मैं उससे ज़्यादा भी कभी कभी लगा देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, इसीलिए उसे लगाने से वो अच्छा होता है, वो ठंडा जगह ठंडा रहता है जिसकी वजह से उसको दर्द थोड़ा सा कम होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको ध्यान रखना है कि वो पैर ज़्यादा ना हिलाए, क्योंकि पैर जब भी वो हिलाएगा तब भी वो रोएगा, और जब भी उसे गोद में ले रहे हो तब पैर को ऐसे फोल्ड करके रखो कि पैर वो ना हिला सके और ना ही वो रो पाए, और जब भी उसे सुला रहे हो तब भी पैर के ऊपर नीचे, मतलब पैर के नीचे एक पिलो, ऊपर एक पिलो डाल के आप उसे रख सकते हो। मैं क्या कहती हूँ, बड़ा सा कुशन लेके मैं उसके पैर के तरफ रख के मैं उसे सुलाती हूँ। पर मोस्टली क्या होता है, वो बेड पे नहीं सोता, शाम तक वो बेड पे नहीं सोता। हर एक बच्चे अलग है, मोस्टली आप बेड में रखने से वो सो भी सकता है, पर अगर वो बेड पे नहीं सो रहा, आप अपने गोद में ही रखिए, जस्ट एक दिन का मैटर है, पर बुखार रहेगा, बुखार शायद 2 दिन तक रहेगा उसके बाद, तो इवनिंग तक आई बिलीव मोस्टली कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जूनियर का कम हो जाता था, मतलब रात तक उसको दर्द नहीं रहता था, पर उसे बुखार डेफिनेटली रहता था। तो इस बार, मतलब कल क्या होगा नहीं पता, शायद कल बुखार, आई मीन दर्द होने के बाद मैं बता सकती हूँ। इसके पहले जब भी वैक्सीनेशन डाल के आए हैं, वैक्सीनेशन करके आए हैं, तब उसका दर्द जो है वो इवनिंग मोस्ट ऑफली 7 to 8 PM तक वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने उसे बेड में सुलाया, उससे पहले वो नहीं सो रहा था, गोद में मैंने उसे रखा। मोस्टली दर्द जो है वो इवनिंग तक कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जूनियर के साथ ही वैसा ही हुआ है, 7 PM शायद मैक्स, उसके बाद दर्द उतना नहीं हुआ, पर वो थोड़ा टायर्ड था, उसको बुखार था, नहीं पता। लास्ट 2 times जब भी वैक्सीनेशन दे के आया वैसा ही हुआ है, इस बार क्या होगा नहीं पता, और हर एक बच्चे के साथ वैसा हुआ होता कि नहीं वैसा भी नहीं पता मुझे, पर मुझे इतना लगता है कि आप इतना थोड़ा बहुत पैम्पर करोगे तो बेचारे का जो दर्द है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा मतलब रात तक वो दर्द नहीं रहेगा। एनीवे कल क्या हो रहा है वो मैं कल ही बता सकती हूँ। डाल के हम आ गए हैं, मैंने उसे थोड़ा सा पिला के फिर आइस पैड डाल के, मतलब जो कपड़ा कल रात को फ्रिज में डाला था उसको लेके उसे थोड़ा सा पैड करके डाल के फिर अभी सो गया, अभी वो सो रहा है। उसके अभी तो पैर के नीचे मैंने थोड़ा छोटा सा पिलो डाला हुआ है, और जब वो पी रहा था तब मैंने उसको पैर को थोड़ा सा अच्छे से मसाज किया कुछ देर तक। आई होप कि दर्द तो होगा पर थोड़ा सा कम होगा। अभी तो कुछ देर तक वो सोएगा, तो सो रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत इधर काम कर लिया, जो भी साफ सफाई करना था, अभी खा भी रहे हो, खा भी लिया, बाद में अगर उठेगा रोएगा तो नहीं कर सकते। पर आज वैक्सीनेशन के दिन नॉर्मली अच्छे से सभी बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा सोते हैं,
तो मैंने उसका वो जो जेल है वो जो जेल भी मैंने लगा दिया था, अभी मैं दोबारा उस जेल को लगाऊं। हाँ, इस बार उसको पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, शायद इसलिए कि मैंने इस बार पैर में थोड़ा ज़्यादा मसाज किया था। फर्स्ट टाइम जो है ना, ओ माय गॉड, बहुत ही डरावना था, मुझे पता नहीं था कहाँ पे इंजेक्शन देने वाला है, कहाँ पे दर्द होने वाला है, तो इट वॉज क्या बोलूँ, स्कैरी फॉर मी। तो उसके बाद से सीखा, सेकेंड टाइम उससे कम दर्द हुआ, जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो गया और वो उतना रोया भी नहीं। और इस बार जो है वो बिल्कुल भी पैर में दर्द नहीं हुआ, पर हाँ फीवर था, अभी तक फीवर है, शायद एक दिन रहेगा नॉर्मली। फीवर की वजह से वो थोड़ा सा चुपचाप और थोड़ा सा क्या बोलूँ, वीक सा लग रहा है, पर जो भी है लास्ट 2-10 से बहुत ही बेहतर है, पैर में दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ, शायद मसाज के लिए। पर जो भी हो, आप लोगों में से अगर कोई कोई भी ट्रिक ट्राई किया या करने वाले हो, कर चुके हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ओके हाँ मैंने जो बताया वो सच है और सबको काम आया, मुझे तो 100% काम आया मैं बोलूँगी। और ये मैंने बोला अपने एक्सपीरियंस से सीखा, पहले दिन से मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं चाहती थी कि आप सबको, मतलब जो भी ऐसे सिचुएशन में हो, सबको पहले दिन से ही पता चले और पहले दिन से आप ये सब अप्लाई कर पाओ।